व्यवस्था है, ब्राह्मण देवता बैठे हैं। जब अपने यहाँ बारात आती है, विवाह की तैयारी होती है, दूल्हा आकर के पीढ़े के ऊपर बैठता है, उनके पांव को बखारा जाता है, पांव धोए। ब्राह्मण देवता साखोचार प्रारंभ कर दिए, वर पक्ष से कन्या पक्ष से तीन तीन पुष्प के पूर्वजों का भी नाम लिया जाता है और साखोचार होता है। साखोचार हुआ, इसके पश्चात मैया आकर के भगवान के बगल बैठती है और यहीं पर पौपूजी होती है और इस तरफ सारी माताएं बैठी हैं और विवाह का मंगल गान चल रहा है आनंदमय। भुवन चारी दशभारा जनक विद्या का विवाह हो रहा है। देखिए कि वो आंख बंद करके दर्शन कीजिए। इसके बाद आनंद आ रहा है, युवा की ग्रंथ बंधन किया गया। ग्रंथ बंधन करने के बाद अब भावर चालू हो रही है। अब देखिए इतना अच्छा संयोग है कि चार मंडप बना हुआ है और चारों मंडप में अलग अलग जोड़ा। एक मंडप में भगवान राम सीता जी के साथ और दूसरे मंडप में महाराज कुशल सच की पुत्री मांडवी जी भगत जी के साथ, तीसरे मंडप में मांडवी जी की छोटी बहन श्रुत कीर्ति शत्रुघ्न जी के साथ और सीता जी की छोटी बहन उर्मिला जी लक्ष्मण जी के साथ। इस तरह से योग बना हुआ है और भावन दी जा रही है और जितनी भी सखियां हैं सब देख करके इतनी खुश हो रही हैं और सखियां कहाँ पड़ती हैं। आज मिथिला दरिया निहाल सखिया, मिथिला दरिया निहाल सखिया, चारो तुला सखिया चारों दुल्हा पे पड़े का कमाल सखिया।
Yeah.
ये जो सबसे बड़ा वाला है ना।